तुम्हारे बाप ने भी अपने टैलेंट पर जॉब ली थी, 100 में से 40 मार्क्स आए थे मेरे। अब्बा क्योंकि आपके जमाने में 20 सीटों में सिर्फ 15 लोग अप्लाई करते थे, इसलिए 100 में से 40 मार्क्स लाने वाले को भी मिल गई ना नौकरी। अरे देखा तो, देखा इसकी यही बातें ना, सीने में हाथ लगा। आहिस्ता हाथ मारे, कोई पसली क्रैक हो जाएगी। क्या हुआ अब्बा आपको, फिर से एसिडिटी हो गई? वो तो तुम्हारी शक्ल देखते ही हो जाती है मुझे। मेरा कोई टाइम है घर आने का? तुम्हें कहा भी था कि टेलीफोन करना। वो बैटरी डेड हो गई थी ना फोन की। डेड हो गया था, शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? ओले वाला, अस्तगफुर अल्लाह, तुम समझाओ इसको कैसी बातें कर रही है। ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे? हर वक्त जली कटी सुनाएंगे उसे, तो फिर यही कहेगा ना बेचारा। तो ये बेचारा रेलवे के इंटरव्यू में क्यों नहीं गया जॉब के लिए, पूछो इसे। अच्छा, क्योंकि इस बेचारे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रेनों की पापा सुनने के लिए नहीं की ना अब्बा। तो बेटा इसी पापा के पैसे से तुमने डिग्री हासिल की है ये? अब्बा आपकी इन्हीं बातों से ना तंग आकर मैंने गाड़ी रजिस्टर करवा ली है ना, सारा दिन राइड लेता हूँ और मैं क्या करूँ आप बताए। बड़ी कोई इंटरनेशनल फ्लाइटों में जा रही है ना गाड़ी तुम्हारी? आप देखिएगा एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। वही देखते देखते ये टाइम आ गया बेटा, कोई सोर्स लड़ाकर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लो ना। अम्मी मैं जॉब किसी सोर्स से नहीं अपने टैलेंट से करना चाहता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने सोर्स से जॉब ढूंढी थी? तुम्हारे बाप ने भी अपने टैलेंट पर जॉब ली थी, बताओ उसको, रिटन टेस्ट में 100 में से 40 मार्क्स आए थे मेरे। अब्बा क्योंकि आपके जमाने में 20 सीटों में सिर्फ 15 लोग अप्लाई करते थे, इसलिए 100 में से 40 मार्क्स लाने वाले को भी मिल गई ना नौकरी। अरे देखा तो, देखा इसकी यही बातें ना, सीने में हाथ लगा। आहिस्ता हाथ मारे, कोई पसली क्रैक हो जाएगी। तू भी बिगाड़ती हो उसको। अब जाएगा 2 घंटे शावर खोल के खड़ा रहेगा, नहाएगा, पानी लाया अलग, बिजली का बिल ज्यादा अलग।